दोस्तों कोई कह रह रहा है कि मोदी जी बियग्रिल्स के साथ आकर दुनिया में अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए कि मोदी प्रमोशन की क्या जरूरत ही क्या है, वो तो इतने प्रख्यात पहले से ही हो गए कि पूरी दुनिया लोहा मानती है। और रही बात प्रमोशन की, तो यह शो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं चला रहा, वना आप तो इसे आरएसएस की साजिश कह सकते हैं। और ना ये कोई देश का चैनल है, यह तो एक विश्व प्रसिद्ध शो है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। इस शो के लिए मोदी जी ने ना कोई फंडिंग की है ना ली है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने सबसे ऊपर उठकर कुछ नया करने की कोशिश की है, तब तब दुनिया ने उसे प्रारंभ में पागल बताया है या फिर उसका विरोध किया है। और अब आइए हम मोदी जी के शो पर करने के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा इस शो में आ चुके हैं और अब भारत के आने से विश्व में भारत के कद में बढ़ोतरी होगी, जो उसे कई आयामों में मदद करेगी। इससे लोग भारत के वन्य जीव संसाधनों और विविधता से अवगत होंगे, जिससे पर्यटन में वृद्धि होगी। दुनिया को पता चलेगा कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में अब सिर्फ फॉलो नहीं अपितु लीड करेगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों में जागृति बढ़ेगी, जिससे भविष्य में हमें ही फायदा होने वाला है। हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, जिससे हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध अधिक मजबूत और मददगार साबित होंगे। अगर आप में साहस और कुछ कर गुजरने की अदम्य इच्छा हो, तो उम्र आपको रोक नहीं सकती। दुनिया को उनकी पर्यावरण के प्रति जवाबदारी और फर्ज का ज्ञान कराएगी। पहले खुद करके दिखाओ, फिर दूसरों को करने बोलो, इस सिद्धांत पर चलने की प्रेरणा देगा, क्योंकि सलाह तो हर कोई मुफ्त में दे जाता है। भारत ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। विश्व की ताकतों के लिए भारत एक चुनौती जैसा प्रतीत होगा।